आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उस अद्वितीय श्लोक के बारे में जो हमें आत्मिक युद्ध की ओर ले जाता है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, गुड़ाकेश अर्जुन के अनुरोध पर ऋषिकेश कृष्ण ने उसे श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर कहा, हे पार्थ, ये सब कौरवों की सभा है। इस श्लोक का एक गहरा सिंबोलिज्म है। यहाँ पर रथ का तात्कालिक अर्थ आत्मिक अनुभूति का प्रतीक है और दोनों सेनाएं पांडव और कौरव है। वह है हमारे आत्मिक और भौतिक प्रकृति है। हर आत्मिक यात्री का यही संघर्ष है भौतिक इच्छाओं और आत्मिक ज्ञान के बीच। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी आत्मा हमें इन दोनों सेनाओं के बीच ले जाती है ताकि हम अपने आंतरिक शत्रुओं को सामना कर सकें। और जब हम आत्मिक प्रयास में दृढ़ होते हैं, जैसे अर्जुन थे, तो हमारी आत्मा हमें उस उचित स्थान पर ले जाती है जहां हम अपने आत्मिक और भौतिक प्रकृतियों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो मित्रों, जब हम आत्मिक यात्रा में निकलते हैं, हमें अपनी आंतरिक शत्रुओं का सामना करना ही होगा। और जब हम उन्हें सामना करते हैं, तभी हम उन्हें परास्त कर सकते हैं। नमस्ते।